मैं आज स्वास्थ्य को लेकर के बिहार का क्या हाल है, हेल्थ सेक्टर को लेकर के बिहार का क्या हाल है, उसका खाका आपके सामने रखना चाहता हूं। गरीब से गरीब लोगों को बीमारी में मदद मिले उसके लिए सीएचसी होते हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होते हैं। हम जानते हैं कि हर वर्ष हर राज्य ये सीएचसी सेंटर बढ़ाने का प्रयास करती है ताकि गरीबों को बीमारी में दवाई मिल जाए, डॉक्टर मिल जाए, मदद मिल जाए। लेकिन भाइयों बहनों, जरा बिहार का चित्र देखिए। हमारे देश में 3,300 सीएचसी बढ़कर के 5,300 हुई है। देश में करीब 2,000 सीएचसी बढ़े। राजस्थान में पहले 326 सीएचसी सेंटर थे, वो 567 हो गए, करीब करीब 200 से ज्यादा बढ़ गए। मध्य प्रदेश में 229 थे, वो बढ़कर के 334 हो गए। छत्तीसगढ़ में 116 थे, बढ़कर के 157 हो गए। लेकिन आपको ये जानकर के धक्का लगेगा, गरीब बीमार हो उसको मदद करने के लिए सीएचसी सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है। हिंदुस्तान के गरीब से गरीब राज्यों ने भी उसकी संख्या बढ़ाई, लेकिन बिहार में 2005 में 101 सेंटर थे, 2014 आते आते वे 101 से 102, 105, 110 नहीं हुए, 70 हो गए। मेरे भाइयों 70 हो गए। बताइए, ये गरीबों की सेवा है क्या? ये गरीबों की बीमारी की चिंता करते हैं क्या? भाइयों बहनों, इतना ही नहीं, पैसों की भी कोई कमी नहीं है। भारत सरकार ने आरोग्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बिहार सरकार को जो पैसे दिए थे उसमें से 521 करोड़ रुपया वे खर्च नहीं कर पाए, पड़े रहे। मुझे बताइए, पैसे हो उसके बावजूद भी काम ना हो, ऐसी सरकार को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? ऐसी सरकार को हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? हमेशा के लिए हटाना चाहिए कि नहीं हटाना चाहिए? गरीब को दवाई मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? बीमार को डॉक्टर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए?